दर्शक मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट, वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 5 में आपका स्वागत करता हूं। मैं कई सालों से आप सबको इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देता हूं और आज ये जो वीजा विंडो हिंदी सीरीज का 5वां पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज है संडे 21 जून 2020। मैं ये तारीख इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दो दिन में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 24 अप्रैल 2020 को एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, इमिग्रेशन के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाए थे, वो प्रोक्लेमेशन 22 तारीख को खत्म होंगे और जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद वो प्रोक्लेमेशन आगे बढ़ाया होगा। जो पाबंदी लगाई थी 60 दिनों की, वो आगे बढ़ाई होगी और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर और कोई ज़्यादा पाबंदी दाखिल कर दी हो। ऐसा सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप H-1B वीज़ा टेम्पररी बंद कर देंगे। H-1B वीज़ा धारक जो 1 अक्टूबर से अमेरिका में काम करने को जा सकते हैं, उनको अभी ये COVID-19 के दौरान में जाने की परवानगी वो नहीं देंगे, उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। H-4 वीज़ा वाले को भी पाबंदी लगाएंगे और उनको वहाँ जो अमेरिका में काम करने की सहूलियत दी गई है वो वापस ले लेंगे। J-1 वीज़ा जिसके ऊपर डॉक्टर्स जाते हैं, हॉस्पिटलिटी वर्कर्स जाते हैं, उनको भी अमेरिका में आने से पाबंदी लगा देंगे। H-3 वीज़ा, H-2B वीज़ा और अंतर कंपनी ट्रांसफरी मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और खास जानकारी वाली व्यक्तियों के लिए जो L-1 वीज़ा है उसके ऊपर भी वो लोग शायद प्रेसिडेंट ट्रंप पाबंदी लगाएंगे। तो इतनी सब पाबंदी लगाएंगे तो फिर जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? तो मेरी आपसे ये सलाह है कि अगर आपके पास पैसों का प्रबंध है तो आप EB-5 प्रोग्राम में $9,00,000 अमेरिका के कोई अच्छे से रीजनल सेंटर में इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड की अर्जी कर दीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रोक्लेमेशन में यह साफ साफ बताया है कि उनको EB-5 प्रोग्राम के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, EB-5 प्रोग्राम वो वेलकम करते हैं। तो अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं, वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपका एक अमेरिकन ड्रीम है वो आप अगर पूरा करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसों का बंदोबस्त है तो EB-5 प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड लीजिए। आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिलेगा और करीबन 8 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे तो इसकी क्यू जो है, जो अभी इन्वेस्ट करके 3 साल लगता है, वो क्यू बढ़ जाएगी और फिर आपको 4, 5, 6 या ज़्यादा साल ठहरना पड़े। तो ये मेरा सलाह है, मशवरा है कि जो लोग इन्वेस्ट करके EB-5 प्रोग्राम के जरिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करें और बाकी के लोग ये जो सोम मंगलवार से जो नया कानून आएगा, नया प्रोक्लेमेशन आएगा, उसमें क्या आता है उसका इंतज़ार करें। शायद H-1B वीज़ा स्टॉप करेंगे, H-4 वीज़ा स्टॉप करेंगे, J-1, L-1 ये सब स्टॉप करेंगे। तो फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो चलो हम लोग वापस आते हैं B-1 वीज़ा के ऊपर। एपिसोड 3 और 4 में मैंने आपको B-1 वीज़ा के लिए थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ।
ये करीबन 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं इमिग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करता था, तब मैं रेगुलर एडवोकेट कोर्ट में जाके, इंडिया के कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करता था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि सुधीर भाई, मुझे एक हफ्ते भर के लिए आप एक 5 लाख की लोन देंगे? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला कि मैं US के वीज़ा की अर्जी कर रहा हूँ, बिजनेस वीज़ा की, और मुझे दिखाना है कि मेरे पास काफ़ी पैसे है तो मुझे वीज़ा मिलेगा। तो मैंने बोला लेकिन ये तो आप मुझसे लोन ले रहे हैं और आप तो हफ्ते भर के ही ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए, एक दफ़े वीज़ा मिल गया फिर कौन पूछता है। मैंने उनको 5 लाख रुपये लोन दिए, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा किए और फिर बैंक मैनेजर से सर्टिफिकेट लिया कि फलाना फलाना हमारा जो बैंक का कस्टमर है उसके अकाउंट में आज की तारीख में इतने लाख रुपए जमा है। वो दिखा के उसने B1 B2 वीज़ा लिया। तो दोस्त लोग, दर्शक लोग, ऐसे भी बदमाशी करते हैं, छेतरपिंडी करते हैं और वीज़ा लेते हैं। कई लोग जाली IT रिटर्न्स बनाते हैं, जाली बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और वो दिखा के वीज़ा लेते हैं। बताते हैं कि देखो हम इनकम टैक्स पेयर है, इतना सालाना हमारी इनकम है, ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है, ऐसा दिखा के वो लोग वीज़ा लेते हैं। जब ये बात बढ़ने लगी, कई लोग ऐसा करने लगे, तो फिर कॉन्सुलेट चौकन्ना हो गए और उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स देखना ही छोड़ दिया। ये सच्चा है या झूठा है, कौन इसकी तकलीफ ले, मैं आपको देखूंगा, मुझे अगर अच्छे लगे आप, मुझे लगा कि आप सचमुच में बिजनेसमैन हैं, आप सचमुच में अमेरिका में परमानेंट ठहर नहीं जाएंगे, तो मैं आपको वीज़ा दूंगा, वरना मैं कहूंगा सॉरी। तो इसीलिए जब आप बिजनेस वीज़ा की अर्जी करते हैं, तो मेरी ये सलाह है, मेरा ये मशवरा है कि आप प्लीज़ कोई भी जाली डॉक्यूमेंट्स मत बनाइए, जाली डॉक्यूमेंट्स लेके मत जाइए। वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखते नहीं है, लेकिन अगर कभी कभार आपके डॉक्यूमेंट्स देखे और ऐसा पता चला कि आपने जाली डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, तो आपको वीज़ा नहीं देंगे और फिर आपके नाम के पीछे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन लग जाएगा, तो कभी भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और अमेरिका ही नहीं, और देशों में भी आप वीज़ा की अर्जी करेंगे तो शायद यही कारण से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो और दूसरी एक बात, आप वीज़ा का जो फॉर्म भरते हैं, अर्जी पत्रक DS-160, उसमें भी मेहरबानी करके कोई भी झूठी बात मत लिखना। अगर पकड़े गए तो वीज़ा नहीं मिलेगा और आपको फिर अमेरिका से हाथ धोना पड़ेगा, अमेरिका भूल जाना पड़ेगा, और अमेरिका अपनी इन्फॉर्मेशन कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और देशों से भी शेयर करती हैं। अगर आपका फ्रॉड के कारण वीज़ा नकारा गया है, B1 वीज़ा आपको नहीं दिया गया है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, तो और देशों का वीज़ा मिलने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं कल अगले एपिसोड में आपको और कुछ जानकारी दूंगा B1 की और फिर B2 टूरिस्ट वीज़ा की भी जानकारी दूंगा। और तब तक के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा के लिए कुछ टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। नमस्ते, जय हिंद।